नमस्ते दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हाल ही में आपने जो संजीवनी बूटी की वीडियो देखी थी, आप सब ने उसको भरपूर प्यार दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने PDF उपलब्ध कराई थी, उस सबको भी आपने डाउनलोड किया, और उसमें आप सबने एक ही शिकायत की कि इसमें संजीवनी तेल की जो विधि है वो पेज नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो पेज मैंने ही उस PDF से काटे थे। वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि आप सबको कितनी लगन है भारत की जड़ी बूटियों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति, इसलिए मैंने वो पेज हटाए थे। मैंने एक तरह से आपकी परीक्षा ही ली थी कि मेरा जो बोलना है वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो आप सब उस परीक्षा में पास हो गए, इसके लिए आप सबको बधाई हो। और दूसरी बात, वो वीडियो जो थी उसके ऊपर कईयों ने कमेंट किया कि ये फेक वीडियो है, ऐसा है वैसा है, ये बूटी हर जगह मिलती है। भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था ये बूटी भारत के हर कोने में, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये बूटी ना होती हो। अब उसका कारण है परमपिता परमात्मा की सृष्टि में उनकी अद्भुत रचना देखिए। परमात्मा जानते थे कि भारत भूमि पर अनेकों आक्रमण होंगे विदेशी आक्रांताओं के, और जो योद्धा है उनको आवश्यकता पड़ेगी घावों को भरने के लिए। इसलिए इस बूटी को परमात्मा ने हर एक स्थान पर पैदा किया। मात्र ऐसा नहीं कि कोई द्रोणागिरी पर्वत था वहां पर जाकर के हनुमान लेकर के आए थे। वो इसलिए लेकर के आए थे उस समय पर, वहां पर शुद्धतम, आज भी पहाड़ों पर आप चले जाइए, जो प्राकृतिक रूप से औषधियां उगती है वो एकदम शुद्ध होती हैं। उनके परिणाम में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखी जा सकती। इसलिए हनुमान को पहाड़ पर भेजा गया था औषधि लेकर के आने के लिए। दूसरी बात, कईयों ने कहा कि ये फेक है। मैंने उनको बोल दिया, या आप कोई भी प्रमाण ले आओ, कोई भी रामायण जो थी वो उठा लाओ, तमिल के तरफ आप हो, साउथ इंडिया में रहते हो, दक्षिण भारत में रहते हो, वहाँ की जो रामायण है प्रसिद्ध कंब रामायण, उसको उठा लाओ, और जो सबसे प्रमाणित जो रामायण मानी जाती है वाल्मीकि रामायण, उसको उठा लाओ। अगर उसमें जो जो लक्षण इस औषधि के दिए हैं, जो लक्ष्मण को इस औषधि ने मूर्छा में था वापिस पुनः जीवन दान दे दिया, वैसे लक्षण अगर इस बूटी में न मिले तो मैं अपनी कमी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये बूटी वही है, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। क्योंकि उत्तर भारत का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा सदी नहीं है, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए हैं और भारत में लूटपाट मचाई है। आप उठा करके देख लीजिए, इतिहास भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ पर इस बूटी का होना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए परमात्मा ने ये बूटी हर जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर इस बूटी को न पैदा किया हो। तो ऐसा कोई वो मत मानिए कि आपने रामायण में देखा है जो संजीवनी बूटी है वो तो चमकती हुई है, उसमें लाइटें जला रखी, वो तो टीवी वालों ने दिखा दिया अपनी सोच के अनुसार। अब कल को टीवी वाले दिखा देंगे कि अर्जुन का पेड़ है वो चमकता हुआ है, उसके अंदर लाइटें जलती है। अब आप जो बाहर अर्जुन मिलता है उसको मानना स्वीकार कर दोगे कि ये तो वो अर्जुन है ही नहीं, क्योंकि टीवी में तो दिखाया अर्जुन के पेड़ में लाइटें जलती है। तो इस प्रकार की नासमझी बातें ना कीजिए। जो वाल्मीकि रामायण में और अन्य रामायणों में प्रमाण लिखा है कि विशल्यकारिणी, माने घावों को जो भर दे, उसी का नाम विशल्यकारिणी होता है। और संजीवकरणी, नाम से ही पता चल रहा है, पुनः संजीव कर दे, माने जीवन दान दे दे, वही संजीवकरणी है। और संधानी, टूटी हड्डियों को जो जोड़ दे, वही संधानी औषधि है। और चौथी जो है सावर्णकरणी, माने जैसा आपका किसी का शरीर जल गया, किसी का कुछ कट गया शरीर में अंग, वहां पर आप इसको भर दीजिए। बड़े आयु के व्यक्तियों को सामान्यतः ऐसी बातें देखने में आती है कि जल जाए शरीर का कोई अंग तो वापिस वैसा नहीं हो पाता उसका रूप। तो यही है इस बूटी की खासियत, आप इसको भर दीजिए, ये वैसा ही रूप रंग वैसे फिर से दे देगी, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो।
बच्चों में तो होता है क्योंकि उनकी त्वचा, ऐसा बोलते हैं, नाजुक होती है, इसलिए वो वैसा का वैसा रूप ले लेती है, लेकिन बड़ों में नहीं होता। लेकिन इस अद्भुत बूटी की यही खासियत है, सावर्ण्य करणी माने वैसे ही वर्ण दे देती है, शरीर का वैसा ही रूप रंग दे देती है। तो ये बातें मैंने जरूरी थी बतानी, इसलिए बताई। अब संजीवनी तेल जो आपने सबने मांग की थी कि इसकी विधि क्या है, वो मुझे बता दीजिए। तो मैं विधि संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, सामान्य बिल्कुल सरलतम भाषा में बताऊंगा, आप सबको समझ आ जाएगी और बना भी सकोगे आप। सबसे पहले आपको सरसों का या तिल का, तिल का काले तिल का लोगे तेल तो सबसे बढ़िया है, अन्यथा सफेद तिलों का भी चल जाएगा और सरसों का तेल, इन दोनों तिलों, तिल या सरसों, कोई भी तेल में से एक तेल ले लीजिए आप, 1 किलो। 1 किलो तेल लेने के बाद 1 तोला नीला थोथा, 1 तोला हल्दी और 1 तोला सेंधा नमक। अब तोले की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, 11.600 मिलीग्राम, माने 11 ग्राम 600 मिलीग्राम 1 तोला होता है, ये तोले की परिभाषा है। इतना 1 तोला आप नीला थोथा लीजिए, बारीक पीस लीजिए, हल्दी को भी बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और सेंधा नमक को बारीक पीस लीजिए, तीनों एक एक तोला लेना है। अब तेल को कढ़ाई में डाल करके गर्म कीजिए, मंदी आंच होनी चाहिए उस पर, गर्म कीजिए। जब तेल उबलने लगे उसके अंदर एक एक चुटकी भरिए, तीनों चीज डालते जाइए धीरे धीरे। 10-15 मिनट बाद, लगभग 15-20 मिनट लग जाएंगी उबलने में और ये सामग्री डलने में, उसके बाद इस तेल को उतार लीजिए कढ़ाई को नीचे आग आग से और ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें मालकांगनी, एक जड़ी बूटी होती है मालकांगनी, उसका चूर्ण 5 तोले डालना है, 5 तोले माने 58 ग्राम, वो चूर्ण डाल दीजिए इसके अंदर। और जितना तेल था 1 किलो, उसके अंदर दुगना पानी डालना है, माने 2 किलो पानी डालना है, फिर अग्नि पे चढ़ा दीजिए। अब पानी जल जाना चाहिए और तेल बच जाना चाहिए, माने 2 किलो पानी जल जाए और 1 किलो तेल वापिस से बच जाए। एक सावधानी हमेशा रखनी है, आग मंदी ही होनी चाहिए, तेज आंच पे मत पकाइए वरना तेल जल जाएगा और खराब हो जाएगा। दूसरी बात, जब तेल बच जाए और पानी जल जाए, उसके बाद ये संजीवनी बूटी जो है, पहचान के लिए आप वीडियो देख सकते हो पुराने वाली, उस बूटी का जो स्वरस है, ताजा पत्तों का और पूरी जड़ी बूटी का कूट करके रस निकाल लीजिए, 4 लीटर। 4 लीटर तेल, अगर 1 किलो तेल है तो 4 किलो रस लगेगा, 1 लीटर तेल है तो 4 लीटर रस लगेगा, वो 4 लीटर रस इसके अंदर डाल दीजिए। अग्नि को फिर से जलाइए और जलते रहने दीजिए, मंदी मंदी आंच पे पकाइए, सारा रस जल जाना चाहिए वापिस, 1 लीटर तेल बच जाना चाहिए। ऐसा करोगे आप तो इसको उतार के ठंडा करके तुरंत भर दीजिए बोतलों में और पैक कर लीजिए, ये आपका संजीवनी तेल है। अब इसको और ज्यादा ताकतवर बनाना है तेल को, आप तो जब कढ़ाई को आप नीचे उतारो, वो गर्म होगा तेल, उसके अंदर 2 तोले माने 23 ग्राम 200 मिलीग्राम देसी कपूर, जो भीमसेनी कपूर के नाम से प्रसिद्ध है, वो तेल इसके अंदर बारीक पीस के डाल दीजिए, ठंडा होने पर बोतलों में पैक कर लीजिए छान करके। ये है एक विधि। अब इसको और ज्यादा ताकतवर बनाना है तो इसमें नीम, भृंगराज, मेहंदी, संभालू आदि जितनी भी औषधियां हैं, उनको, उनके पत्तों को पीस के उनका स्वरस निकालते जाइए और इसके अंदर जलाते जाइए, माने वापिस से तेल ही बचना चाहिए, सारा का सारा रस जल जाना चाहिए, ये ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें 2 तोला जो देशी का पूरा, वो डाल करके ठंडा होने के बाद छान लीजिए और पैक कर लीजिए। ये है विधि। अब इसी का आपको मलम बनानी है, माने घी बनाना है, तो बस फर्क इतना रखना आपको, तेल की जगह घी डालना है, देसी गाय का घी डालना है, और एक चीज नहीं डालनी, वो है नीला थोथा। नीला थोथा छोड़ के जो बाकी सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई है, वो सब डालनी है घी में। तेल में आप नीला थोथा डाल सकते हो, बस यही विधि थी।
आप इस विधि से बनाइए इसको और बेचिए अगर बेच सकते हो, वरना अपने उपयोग के लिए तो रख ही लीजिए, क्योंकि ये समय पड़े पर इतना जबरदस्त परिणाम देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अन्य औषधियों की और कोई खासियत हो न हो, लेकिन इस तेल की और इस घी की एक खासियत है, आप इसको खा भी सकते हो, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी। अंदर जाने के बाद ये जख्मों को अंदर से भी भरने की कोशिश करता है। बवासीर हो, नक्सीर हो, चाहे कोई भी रोग हो, हर रोग में ये रामबाण का कार्य करता है। राम का बाण वही है जो एक ही बाण में शत्रु को मार डाले। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो सबके पास पहुंचाइए और इस औषधि का जितना हो संरक्षण कीजिए, इसके बीजों को वितरित कीजिए, ताकि ये औषधि फिर से भारतवर्ष में पुनः लहला उठे, हर जगह पर इसकी भरपूर पैदावार हो। वंदे मातरम।